अजमने गौसिया के ज़ेर एहतमाम सालाना जश्न मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्रोग्राम सैंतीसवां सालाना जुलूस व जलसा जनाब असमेर वायद हमेशा की तरह सुबह नाश्ता होगा और नाश्ते के बाद ये लामा इकबाल कम्यूनिटी वाले ये इंतज़ामिया ये अपना इंतज़ाम संभालेंगे और जुलूस वहाँ से रवाना होगा। तो असमेर वायद चलता हुआ रास्ते में रुकता हुआ जनाब इसी तरह नाते और सलातुल सलाम पढ़ते हुए वापस सी एवेन्यू सी और सी से वापस आके मस्जिद के सामने इख्तिताम पज़ीर होगा। जुलूस के बाद दुआ होगी और दुआ के बाद जनाब खाना कड़ियाँ वाले आर्याने कड़ियाँ वाले जो है वो खाने का इंतज़ाम कर रहे हैं, वो खाना खिलाएंगे और उसके बाद लेडीज़ का भी इंतज़ाम है और मेन का भी। उसके बाद जनाब जलसा होगा, जलसा जो है वो हम कोशिश करेंगे कि मगरब की नमाज तक फाइनल कर दें, दुआ हो जाए और उसके बाद सबको इजाज़त होगी खाने के बाद। तो खाना इनकी तरफ से होगा आर्याने कड़ियाँ वाला। तो मैं सबसे गुजारिश करता हूँ जितने भी कलमा गो मुसलमान हैं उन सबसे गुजारिश करता हूँ कि अपने अपने इन सीनों को साफ करो, कदूरतों को दूर करो और सरकार की मीलाद पे आओ ताकि अल्लाह ताला आपके जनाब तमाम परेशानियाँ दूर फरमाए और हर आने जाने वाली मुसीबत से अल्लाह महफूज फरमाए। आप सबको दावत है आमीन। जैसा कि कबल दी जनाब सैयद पीर साहब ने फरमाया है बिल्कुल इसी तरह जो है 9 तारीख को बरोज़ इतवार इंशाअल्लाह अज़ीज जो जश्न आज़ादी का जुलूस है ये एवेन्यू एच से मक्की मस्जिद से बरामद होगा, मिलादुन जश्न ईद मिलादुन बरामद होगा और इंशाअल्लाह एवेन्यू सी तक जाएगा और उसके बाद उसके तमाम तक जो प्रोग्राम है वो पहले ही पीर साहब बता चुके हैं और इंशाल्लाह हस्बे आप शामिल होंगे। शेख साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबीयीन। जैसा कि पीर सैयद सफदर हुसैन शाह साहब ने और उलमा मुश्ताक अहमद कंबो साहब ने एक्सप्लेन किया हमारा जुलूस मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 9 अक्टूबर को सुबह 10 बजे एवेन्यू एच से स्टार्ट होगा। हम लोग इंशाल्लाह एवेन्यू सी तक जाएंगे, वहां से दुरूद सलाम पढ़ते हुए वापस मक्की मस्जिद के सामने इख्तिताम पज़ीर होंगे। आपसे गुजारिश है कि आप फैमिली और दोस्तों के साथ तशरीफ लाएं और मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह जी।